राज्य स्तरीय टीम ने आंगनवाड़ी केंद्र का किया जांच। 4 से 6 जुलाई तक होनी थी आंगनवाड़ी केंद्रों की जांच। जांच हुई संपन्न। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। आप तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत है, नंदन है, अभिनंदन है। बहनों, जैसा कि आप लोगों को हमने पूर्व के ही वीडियो में बता दिया था कि 4 से 6 जुलाई तक आंगनवाड़ी केंद्रों पर जांच होनी है, जिसके लिए राज्य स्तरीय जांच टीम गठित कर दी गई है। उस जांच टीम के द्वारा आपके आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण ट्रैकर से संबंधित 5 बिंदुओं पर जांच होगी, जिसमें संदर्भ सेवा को छोड़कर सभी सेवाओं की जांच होगी। साथ ही अंडा, दूध और मूंगफली की भी जांच होगी। सो जांच हुआ, आप लोग देख सकते हैं, ये पेपर में भी प्रकाशित हुआ है। क्या इसमें पाया गया जांच के दौरान, वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो आप देख सकते हैं, राज्य स्तरीय टीम ने आंगनवाड़ी केंद्र का किया जांच। ये जांच के दौरान फोटो लिया गया था पदाधिकारी महोदया के साथ साथ आंगनवाड़ी सेविका दीदी का भी। तो और आगे इस विशेष इसमें क्या लिखा गया है, आइए देखते हैं। संवाददाता सुदेश श्रीवास्तव, माझागढ़, ये गोपालगंज जिले में पड़ता है। गोपालगंज जिले के माझागढ़ प्रखंड अंतर्गत छबही पंचायत के डोमा हाता नोनिया टोला आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 139 का जांच राज्य स्तरीय टीम के द्वारा किया गया। जांच के दौरान सेविका के मोबाइल के माध्यम से पोषण ट्रैकर में किए गए कार्य तथा बच्चों के ग्रोथ संबंधी की गई वृद्धि निगरानी की जांच की गई। जांच के दौरान पोषण ट्रैकर में बच्चे के डाले गए वजन और ऊंचाई की जांच की गई, सही है या गलत। इस मौके पर सेविका रेणु देवी, महिला पर्यवेक्षिका अंशु अर्चना उपस्थित रही। तो विशेष इसमें नहीं न्यूज प्रकाशित किया गया है, सिर्फ जांच हुआ उसका है। लेकिन क्या वहाँ पे सही पाया गया, गलत पाया गया, ये सब पेपर में नहीं आया है। हालांकि सब सही ही रहा होगा, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका निष्ठापूर्वक बड़ी ही ईमानदारी से काम करती हैं। भले ही सरकार इसे अनदेखी कर रही हो, लेकिन हमारी सेविका बहुत मेहनत करती हैं, हमारी सहायिकाएं बहुत मेहनत करती है। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, बच्चे को लाना, उनको स्कूल पूर्व शिक्षा देना, पोषाहार वितरण करना, फिर सही सलामत उनको घर तक पहुंचाना। बाद बाकी जो डिजिटल तरीके से मोबाइल पे काम करवाया जा रहा है, ये काम भी हमारी आंगनवाड़ी सेविका बखूबी कर रही हैं। हालांकि इसके लिए विभाग द्वारा अच्छे क्वालिटी का मोबाइल उपलब्ध नहीं कराया गया। जो मोबाइल उपलब्ध कराया गया वो 5 साल पहले कराया गया, वो मोबाइल बिल्कुल ही खराब हो चुका है। तमाम जनता जनार्दन को भी पता होगा कि मोबाइल, टीवी, पंखा जो भी होता है इलेक्ट्रॉनिक सामान, उसका लाइफ 2 साल बहुत है, 2 साल में वो खराब हो ही जाना है। लेकिन पता नहीं आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को सरकार क्या समझ रही है, एक मोबाइल 5-7 साल पहले दिया और जो कभी काम किया ही नहीं मोबाइल, लोग अपने मोबाइल से काम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी सरकार नया मोबाइल उपलब्ध कराने के बजाय सेविका सहायिकाओं पे रोब जमा रही है, उन्हें धमकी दे रही है और काम भी करवा रही है। ये कैसे रोका जाए, इस पर आप लोगों को एकत्रित होकर समाधान हेतु, इस समस्या का निदान निकालने हेतु एक बैठक कर उचित निर्णय लिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग नेता को भरोसे रहेंगे, तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको आंगनवाड़ी से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ नेतागिरी करते हैं। लेकिन आप लोगों को काम करना पड़ता है, इसके लिए
आप लोग एकजुट होइए, परियोजना स्तर पर बैठकर बड़ी ही प्यार से विनम्रता पूर्वक आप अपने पदाधिकारी को सूचित कीजिए कि आप जो मोबाइल लिए हैं वो कितने साल पहले का है और कितने का है, कितने साल पे उसको आप चेंज करते हैं। हम लोगों को जो ये मोबाइल दिया गया, क्या ये काम कर रहा है? ये सवालात होने चाहिए। फिर संगठन के पदाधिकारियों को भी ऊपर लिखकर देना चाहिए, तभी जाकर इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं, वरना भुगतते रहिए। विशेष हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को कहेंगे कि हर जिले से, हर प्रखंड से कम 21 सदस्यों की टीम महासभा को दीजिए, महासभा हर कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। वो तो आप लोग करेंगे ही नहीं, बस आप लोगों को डिसीजन चाहिए। मेहनत करेंगे नहीं, फल चाहिए। जो भी संगठन आज तक हमारी लड़ाई को लड़ा, वो पेन पेपर के माध्यम से या मुद्दे पे नहीं लड़ा, वो सब के सब बस हमारा मानदेय दोगुना करो, चार गुना करो, अन्य राज्यों की भांति करो, वेतनमान कर दो, लेकिन हमारे विभाग में जो हमारी बहाली हुई थी उस चयन पत्र में किस आधार पर मेरा चयन किया गया और किस किस बिंदु पर हमारी हस्ताक्षर करवा लिया गया है, इस पर किन्हीं ने आज तक प्रकाश डाला ही नहीं। हालांकि इस पर प्रकाश हम अगले वीडियो में डालेंगे, आप लोग हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।